प्रोजेक्टाइल मोशन इस पर्टिकुलर चैप्टर से हम लोग आगे बढ़ रहे थे और प्रीवियस लेक्चर्स तक जो भी डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, यू मे जस्ट रिकॉल देम एज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, रेंज, दी टाइम ऑफ एसेंट डिसेंट एंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट। इस पर हमारा अच्छा खासा डिस्कशन हो चुका है और साइमल्टेनियसली इन एस्पेक्ट्स को डिराइव करते वक्त, इन फॉर्मुलीज को बनाते वक्त हमने अलग अलग क्वेश्चंस को भी हैंडल किया। अब इस लेक्चर में हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस लेंगे जो सभी तरीके की डिस्क्रिप्शंस पर बेस करते हैं, तो हमारी ओवरऑल प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी कि इन जनरल किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में प्रोजेक्टाइल के लिए पूछे जाते हैं। ऑल दो यहाँ पर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का सिर्फ एक पहला वैरायटी देखा है, पहला टाइप देखा है, इसके बाद हमें आगे और कंटिन्यू रखना है अपने डिस्कशन को। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब प्रोजेक्टाइल टू बी कंसिडर्ड फ्रॉम हाइट, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द मूविंग प्लेटफॉर्म, ऐसी बहुत सारी बातें हमें इंक्लूड करनी है इन लेटर केसेस। तो फिलहाल तो एक जो जनरल प्रोजेक्टाइल है हमारा, जो एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर हमने किया, उस पर हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इसमें हमें बताया जा रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है विच इज बीइंग फायर्ड फ्रॉम अ लेवल्ड ग्राउंड, यानी कि हॉरिजॉन्टल सरफेस से इसको फायर किया। इसका जो स्पीड है वो 50 मीटर पर सेकेंड है। 53 डिग्री के हॉरिजॉन्टल एंगल के साथ इसे प्रोजेक्ट किया गया है। नाउ द क्वेश्चन इज टू फाइंड द स्पीड एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट 2 सेकेंड। ये कह रहा है कि स्पीड भी निकालें और उसके कोऑर्डिनेट्स भी निकालें कि वो कहाँ होगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट द क्वेश्चन इज अबाउट, एंड वी आर सपोज टू डिटरमाइन इट एट 2 सेकेंड्स। आइए देखते हैं कैसे इसे हम लोग फिगर आउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक छोटा सा डायग्राम यहाँ बना देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये लेवल ग्राउंड है और लेट्स से इस तरीके का कोई प्रोजेक्टाइल यहाँ से फायर होकर के यहाँ गिर गया। ये इसकी इनिशियल स्पीड जो बताई गई है 50, और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 53। नाउ बिफोर वी डू एनी फर्दर सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन, हम इसके कंपोनेंट्स बना लेते हैं। एक्स कंपोनेंट 50 cos 53, cos 53 विल टेक अ वैल्यू ऑफ 3/5, तो एक्स कंपोनेंट हमारा हो जाएगा 30। और वाई कंपोनेंट अगर हम यहां बनाएं, जिसे हम यूजुअली कहते हैं u sin θ, तो ये y कंपोनेंट अगर हम बनाते हैं लाइक दिस, सो दिस विल बिकम 50 sin 53। sin 53 विल टेक अ वैल्यू ऑफ 4/5, तो 50 × 4/5 विल बिकम इक्वल टू 40। ठीक है, अब देखिए 2 सेकेंड पे ये प्रोजेक्टाइल कहाँ होगा ये पूछा है पहले, तो कोऑर्डिनेट्स उसके कि 2 सेकेंड के बाद अगर हम इसे चेक करते हैं, आफ्टर 2 सेकेंड अगर हम इसे चेक करते हैं तो वेयर इट विल बी। कोऑर्डिनेट्स का मतलब हमें एक्स और वाई की पोजीशन निकालनी कि एक्स में इतनी दूर होगा और वाई में इतनी दूर होगा एंड सो ऑन। दूसरा उसकी स्पीड भी हमें निकालनी है कि 2 सेकेंड में उसकी स्पीड क्या होगी। तो जस्ट फॉर दी कंफर्मेशन, जस्ट फॉर दी काइंड ऑफ गिविंग अ वेरी जनरल आइडिया, मैं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इसके लिए फॉर्मूला लिखूंगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय जी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको समझ आ जाना चाहिए। 2 × y कंपोनेंट इज 40 डिवाइडेड बाय जी, जी इज 10, तो कैलकुलेशन के बाद पता चलता है कि ये 8 सेकेंड का टोटल फ्लाइट लेगा। तो 8 सेकेंड की अगर टोटल फ्लाइट है बच्चों, तो बताएं कि हाइएस्ट पॉइंट पे कब पहुंचेगा? 4 सेकेंड्स 4 सेकेंड के बाद। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। अब हमें जो टाइम गिवन है वो 2 सेकेंड है, तो 2 सेकेंड का सीधा मतलब है कि अभी वो हाईएस्ट पॉइंट को भी नहीं क्रॉस करा, इन बिटवीन यहां कहीं वो हो सकता है, हो सकता है कि यहां कहीं वो हो। सही है ना? यस सर। वेरी गुड। अब बच्चों एक बात अच्छे से समझ लो, लेट्स से कि ये वाला जो पॉइंट है ये पी पॉइंट है, तो ये पी पॉइंट पर अगर आ भी जाता है इस तरीके से, तो एक बात अच्छे से समझो कि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंफर्म है ना ये बात? यस सर। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बच्चों अभी भी ये
30 मीटर पर सेकेंड ही होगी। हाँ, ये बात जरूर हो सकती है कि इसकी वर्टिकल वेलोसिटी में थोड़ा सा फर्क पड़ जाए और ये 40 से कुछ और नया नंबर यहां पे ले ले, जिसे मैं फिलहाल लिखता हूं वी वाई, ठीक है। और अगर मुझे इसकी टोटल स्पीड निकालनी है तो मुझे ये वी वाई कॉम्पोनेंट किसी तरीके से पता करना पड़ेगा। अब इस वी वाई कॉम्पोनेंट को फाइंड आउट करने के लिए मैं सिंपल सी काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाता हूं, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। इट्स जस्ट अ सिंपल काइनेमेटिकल इक्वेशन। मैं ये रिपीटेडली बोलते आ रहा हूं कि हम वर्टिकल रेफरेंस में काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल रेफरेंस में नहीं कर सकते। तो मैंने वर्टिकल रेफरेंस में काइनेमेटिकल कंडीशन को यूज किया। नाउ वी वाई जो हमें पता करना है, इनिशियल वाई वेलोसिटी अगर आप देखें तो ये 40 है, ये ए वाई हो जाएगा -10 इनटू ये टाइम 2 सेकंड हमें गिवन है। जब मैं ये सारा कैलकुलेशन पूरा करता हूं तो 40 - 20 आंसर आ जाता है 20 मीटर पर सेकंड। तो हमने देखा कि वेलोसिटी घट के 20 हो गई, ये वी वाई जो वेलोसिटी है ये 20 हो गई। नाउ इफ आई एम इंटरेस्टेड टू डिटरमाइन द फाइनल स्पीड, तो क्या हमें कुछ इस तरीके का एक पैरेललोग्राम यहां पे बनाना पड़ेगा और हम इसकी नेट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऐसे दिखा सकते हैं वी, लेट्स से, और उस वी को अगर मैं यहां लिखूं बच्चों, तो बाय वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से अगर मैं सॉल्व करता हूं तो आंसर आएगा एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, करेक्ट है। सो दिस विल टेक अ वैल्यू ऑफ 900 प्लस 400, सो दिस विल बी अंडर रूट 1300, विच विल नाउ कैन बी रिटन एज 10√13 मीटर पर सेकेंड। अब रूट 13 जो भी आएगा आप ऐसे छोड़ सकते हैं उसको, या चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गई स्पीड इसकी। तो ये जो स्पीड पूछी थी इसकी, फाइनल स्पीड एट 2 सेकेंड, तो ये आंसर आएगा इसका। अब इसमें गौर करने वाली बात है कि सिर्फ वाई कॉम्पोनेंट अफेक्ट होता है, एक्स कॉम्पोनेंट में कोई चेंज, कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा थ्रू आउट द मोशन, एक्स कॉम्पोनेंट हमेशा उतना ही रहेगा। अब आइए बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स की। तो अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो मुझे एक्स भी निकालना होगा और वाई भी निकालना होगा। अब एक्स निकालना बहुत आसान है, एक्स निकालने के लिए मैं सिर्फ यू एक्स कॉम्पोनेंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इट्स जस्ट अ फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। आई होप आप ये समझ पा रहे हैं। तो x कॉम्पोनेंट अगर हम यहां पे फाइनलाइज करते हैं तो ये हो गया 30 और टाइम हो गया 2 सेकेंड, यानी के 60 मीटर इतना डिस्टेंस ये पार्टिकल x में आगे जाएगा। ये x की जो पोजीशन होगी उसकी 60 मीटर होगी। ये ओरिजिन है, यहां से पार्टिकल x में आगे जो गया वो 60 मीटर गया। अब हमें निकालना है y कॉम्पोनेंट, लेकिन क्या हम y कॉम्पोनेंट को ऐसे डिस्टेंस और टाइम के फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये जानते हैं कि y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करता है। y का पूरा मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है। y के पूरे मोशन को सॉल्व करने के लिए हमें काइनेमेटिकल इक्वेशन का ही यूज करना होगा, हम जनरल डिस्टेंस टाइम फॉर्मूला यहां पे नहीं लगा सकते। तो y ये डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं काइनेमेटिकल इक्वेशन लिखता हूं, s ऑफ y इज इक्वल टू u ऑफ y इंटू टी प्लस हाफ a ऑफ y इंटू टी स्क्वायर। s ऑफ y को मैं फिलहाल बोल देता हूं y, y कंपोनेंट की जो इनिशियल वेलोसिटी हमें मिल रही है वो है 40 इंटू टाइम 2 सेकेंड माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर। अब आप समझ गए यहां पे माइनस क्यों आया, यस सर, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये यहां से 2 कैंसिल हो गया, इसकी एक पावर कैंसिल हो गई, ये 20, और y का डिस्टेंस हमको मिलता है 80 माइनस 20, सो दिस y विल बिकम इक्वल टू 60 मीटर। तो जब हम इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मेंशन करेंगे एट 2 सेकेंड, इस p पॉइंट के पूरे कोऑर्डिनेट्स को अगर हम मेंशन करना चाहते हैं तो ये जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे X में 60 मीटर आगे और Y में 60 मीटर ऊपर, 60 60, यहां से लेके यहां तक X डिस्टेंस 60 मीटर है और जमीन से ऊपर जितना भी है वही Y कहलाता है, हाइट Y कहलाएगा वो।
एंड दैट इज ऑल्सो 60, वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड इट। तो इस तरीके से ये अपना क्वेश्चन पूरा हो जाता है। आर थिंग्स क्लियर? यस सर। आइए एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। आपने इस पहले ही क्वेश्चन में अंदाजा लगा लिया होगा कि फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं होता है फिजिक्स में, थोड़ा सा काम करना पड़ता है, थोड़ी कंडीशंस हमें एनालाइज करनी होती है, करेक्ट इवैल्यूएशन हम करेंगे तभी हम किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ओके, ध्यान से समझें इस बात को। नाउ हियर इट इज गिवन कि एक प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन सच दैट इट जस्ट क्लियर्स द वॉल ऑफ 4 मीटर हाइट हाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। फाइनली द प्रोजेक्टाइल फॉल्स ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द वॉल। फाइंड द इनिशियल स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो इनिशियल स्पीड भी निकालो बोल रहा है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी निकालो बोल रहा है। आइए देखते हैं। तो लेट्स से कि इस तरीके से प्रोजेक्टाइल का डिस्क्रिप्शन है, ये यहां से ऐसे फायर होता है और यहां गिर जाता है। ये जो वॉल है यहां हाइट 4 मीटर की है, ये गैप भी लेट से 4 मीटर है। अगला जो वॉल के बाद वाला डिस्टेंस है जैसे कि क्वेश्चन में बताया जा रहा है वो 2 मीटर है। ऐसे इसको प्रोजेक्ट किया गया होगा, इनिशियल यू वेलोसिटी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। तो इस जगह पर ये क्रॉस होता हुआ हमको नजर आया, ठीक। अब हमें थीटा भी पता करना है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होने के बाद हमें इनिशियल स्पीड को भी जस्टिफाई करना है कि कितनी इनिशियल स्पीड है। देखें अब इसे कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जितने भी फॉर्मूलीज बच्चों अब तक हमने बनाए हैं ना, वो सब कलेक्शंस आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि ये सारे मिसलेनियस एग्जाम्पल्स हैं, रैंडमली किसी भी फॉर्मूले पर ये बेस करेंगे। सबसे पहली बात बच्चों, इसमें अगर मैं क्वेश्चन को केयरफुली रीड करता हूं तो मुझे फौरन समझ में आ जाता है कि इसकी रेंज 6 मीटर है, क्योंकि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से फाइनली ये जहां जाके गिरता है तो ये 4 + 2 यानी कि टोटल रेंज हो जाती है इसकी 6 मीटर। अब मैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का ये वाला फॉर्म यूज करना चाहता हूं, वाई इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा इन ब्रैकेट 1 - एक्स बाई आर। आई होप आपको ये याद होगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पी के लिए हम ये सारी कहानी लिखना चाहते हैं या सारे डेटा को हम लिखना चाहते हैं। तो पॉइंट पी को रेफर करते हुए क्या आप मुझे बता सकते हैं वाई का वैल्यू कितना है? 4 4 मीटर। शाबाश, जमीन से जितना ऊपर है वो वाई है। एक्स का वैल्यू कितना है? 2 4। कैसे 2? इंटू टेन थीटा, यहां से गिन रहे हैं ना, यहां से गिनते हुए यहां पहुंचा तो ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। ये 2 तो आगे का डिस्टेंस है तो एक्स भी 4 हो गया, वाई भी 4 हो गया। आई होप आप समझ पा रहे हैं। इन कंटिन्यूएशन ये हो जाएगा 1 - एक्स का वैल्यू 4 / r 6। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, ये 4 और ये 4 तो यहां से कट गया, यहां बचा 1 = tan θ। टेकिंग एन एलसीएम 6 - 4/6, therefore 1 = tan θ, I will be getting here as 2/6 which means 1/3। तो पता चला tan θ = 3। Is it okay? Such that कि I can also say θ = tan inverse of 3। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक हो गई बात? Yes, अब yes. हमें इसकी इनिशियल स्पीड भी निकालनी है। व्हाट कुड बी इट्स इनिशियल स्पीड? इसके लिए मैं चाहूं तो रेंज का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, क्योंकि रेंज का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट या एक पर्टिकुलर डेटा हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। अब आपको याद होगा जब हम रेंज का फॉर्मूला लिखते हैं तो उसका जो जनरल तरीका हम लोग लगाते हैं वो है 2 times of x component y component / g। यानी कि करेक्ट तरीके से लिखा जाए तो हम ऐसे लिखते हैं 2 times of u cos of θ into u sin of θ / g। तो हमें कैसे भी करके ये u वैल्यू निकालनी है, ठीक है। या इससे पहले मैं कुछ सब्स्टिट्यूशन यहां पे करूं, मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं चाहे तो।
यू स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। आप समझ पा रहे होंगे कि यहां भी यू है यहां भी यू है, तो दोनों का स्क्वायर कर दिया आपने, तो टू यू स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब देखें आर तो हमारे पास है मौजूद, टोटल जो आर है वो 6 है, जी 10 है, ये 2 भी हमारे पास मौजूद है। सिर्फ कुछ कुछ तो एडजस्टमेंट करके हमें साइन और कॉस की वैल्यू पता करनी है। अब एंगल भी हमें पूरा पूरा नहीं पता, एंगल भी हमें एक इनवर्स फंक्शन की तरह ऑप्टेंड हुआ है आंसर, परफेक्ट आंसर हमें यहाँ नहीं मिला कि भाई ये इतना इतना 30 डिग्री है 40 डिग्री है 60 डिग्री है, कुछ भी नहीं पता है। तो ऐसी सूरत में क्या करें? तो यहां बच्चों हम एक ट्रिक लगाते हैं, बहुत ध्यान से समझना है, ट्रिक काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसी सूरत में हम एक जनरल राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, जनरल राइट एंगल ट्रायंगल जिसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, क्वेश्चन की डायग्राम से या क्वेश्चन की किसी कंडीशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये बस एक ऐसा ही ट्रायंगल है। अब यहां पर बच्चों अगर मैं थीटा मार्किंग करता हूं तो टैन थीटा का 3 होना ये इस बात को बताता है कि थीटा की अपोजिट साइड 3 है और एडजेसेंट साइड 1 है। आई होप आप समझ पा रहे हैं इस बात, ठीक है ना? टैन थीटा यस इज सर 3 मींस द अपोजिट साइड इज 3 एंड द एडजेसेंट साइड इज 1। अब इस ट्रायंगल को पाइथागोरस के कंडीशन पर अगर मैं फॉलो करता हूं, चूंकि मैंने ट्रायंगल भी 90 डिग्री का चॉइस किया है, तो मैं ये हाइपोटेनियस इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं और मुझे ये फौरन समझ में आ जाएगा कि ये हाइपोटेनियस हो जाएगा 10, बिकॉज हाइपोटेनियस इज नथिंग बट इक्वल टू द स्क्वायर एडिशन ऑफ दीज टू साइड्स। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 9 और 1 10, स्क्वायर रूट करें तो रूट में 10 आएगा। सबको समझाइए। यस सर अब बच्चों अगर आप ध्यान देते हैं और इस ट्रायंगल के लिए साइन थीटा लिखते हैं तो आप लिख पाओगे 3 डिवाइडेड बाय रूट 10, करेक्ट है ना? यस सर और इसी ट्रायंगल के लिए अगर आप कॉस ऑफ थीटा लिखते हो तो आप लिख पाओगे 1 अपॉन रूट 10, है ना? दैट बिकम्स 3 बाई 10, यस सर 1 बाय रूट 10। तो बिना एक्चुअल एंगल वैल्यू को जाने हमने इसके साइन और कॉस फंक्शन को ढूंढ लिया। ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे कई सारे प्रॉब्लम हमारे सामने आएंगे क्लास 11th में भी और 12th में भी, जहां एंगल कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू का नहीं होगा। स्टैंडर्ड मतलब कौन सी वैल्यूज जो हम जानते हैं, 0, 30, 45, 37, 53, 90, 180, 135, 150, ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। अगर रैंडम कोई नंबर हमारे सामने आता है तो उस वक्त हम बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं, और वहां एग्जामिनेशन में चाहे वो सीईटी की एग्जाम हो या नीट हो या जेई हो, लॉग बुक अलाउड नहीं है। तो हमें कुछ तो जनरल अप्रोच करके फौरन ही इस तरीके से एंगल को पता कर लेना चाहिए, या कम से कम रेशियोज हमें पता करने आने चाहिए। अब ये साइन और कॉस की वैल्यू हम यहां पुट अप करेंगे और इस यू को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हम सब जानते हैं कि रेंज का वैल्यू है 6, ये 2 जैसा वैसा, इनटू ये हो गया यू स्क्वायर इनटू कॉस थीटा दैट इज 1 बाय रूट 10। अच्छा, जी का वैल्यू मैं पहले से नीचे मेंशन कर लेता हूं, 10 इंटू ये हो गया 1 बाय रूट 10, इंटू साइन का वैल्यू भी मैं यहां मेंशन करता हूं एंड दैट दैट कम्स आउट टू बी 3 बाय रूट 10। तो ये सारे नंबर्स आ गए यहां पर, अब बस इसे कैलकुलेट करना है एंड यू आर डन विथ योर आंसर। सबसे पहले तो ये 2 और ये यहां से मैं काट देता हूं, इसको कर देता हूं 3, ये रूट 10 रूट 10। अच्छा, ये 3 और ये 3 भी यहां से निपट गया, ये 3 और ये 3 भी यहां से निपट गया। ये रूट 10 रूट 10 मल्टीप्लीकेशन के बाद कितना हो गया, 10, 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100। तो रीअरेंज करें आंसर आएगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू 100, विच मीन्स यू इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये है इसकी इनिशियल स्पीड जिससे इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया था यहाँ। सो दिस इज हाउ वी हैव टू मेक सर्टेन एडजस्टमेंट्स एंड कैलकुलेशंस। क्लियर हो रही है बच्चों बात? यस ओके, आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और नए क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। कुछ खास क्वेश्चंस को मैंने सिलेक्ट करके रखा है ताकि अलग अलग वैरायटी आपके सामने आ जाए और रैंडम लेवल पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
हम इतने काबिल, इतने तैयार हो जाएं, इतने हमारे कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएं कि हम किसी भी तरीके के जनरल क्वेश्चन को फिर हैंडल कर सकें। यहाँ एक प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी को डिस्क्राइब किया गया है, आई कैप और सॉरी सिक्स आई कैप और एट जे कैप, ये उसकी वेलोसिटी के वेक्टर्स हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है। बच्चों अगर मैं हॉरिजॉन्टल रेंज का सबसे सिंप्लीफाइड और जनरल फॉर्मूला यूज करूँ ना, तो वो है एक्स कॉम्पोनेंट वाई कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाई जी। अगर आप समझ पाते हैं तो ये यू एक्स है, और अगर आप समझ पाते हैं तो ये क्या है, यू वाई है। सही है ना? यस सर। तो एक्स कॉम्पोनेंट इज सिक्स, वाई कॉम्पोनेंट इज एट एंड दिस इज 10। दैट्स इट। मल्टीप्लीकेशन पूरा करें, क्या आंसर आएगा? 9.6। यस, टोटल मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 96 5.6 अपॉन 10, द आंसर गोज 9.6 मीटर। बस खत्म। तो आपने देखा कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड और सीधा सीधा आंसर था। बस सही फॉर्मूले का जो चॉइस है वो इंपॉर्टेंट होता है। आइए थोड़ा और आगे देते हैं, कुछ और क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मे बी मैं आज थोड़ा सा लेक्चर को एक्सटेंड कर दूं, जितने क्वेश्चंस मैंने कंसिडर किए हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो सारे क्वेश्चंस हो जाएं और मुझे और एक लेक्चर इस पे लेने की जरूरत ना पड़े। अ पार्टिकल पी इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी यू वन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यहां दिखाया है। अनदर पार्टिकल क्यू इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी यू टू फ्रॉम अ पॉइंट वर्टिकली बिलो ऑफ द हाइएस्ट पॉइंट। अच्छा, इसके हाइएस्ट पॉइंट के नीचे है। द नेसेसरी कंडीशन फॉर द टू पार्टिकल्स टू कोलाइड, कोलाइड करने की नेसेसरी कंडीशन क्या हो। बच्चों बहुत सिंपल बात है, अगर मैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालता हूं ये, तो ये हो जाएगा यू वन कॉस 30, और वर्टिकल कंपोनेंट अगर मैं बच्चों इसका निकालता हूं तो ये हो जाएगा यू वन साइन 30। ठीक है, इफ आई एम सेइंग दैट कि ये यहां जाके कोलिजन करता है, क्योंकि ये तो सीधा ही चलेगा ऐसे, है ना, ये ऐसे फ्लाई करेगा, इसको आगे कौन बढ़ा रहा है, U1 cos 30, और इसको ऊपर कौन उड़ा रहा है, U1 sin 30। तो अगर हम चाहते हैं कि यहां कोलिजन हो तो दोनों वर्टिकल वेलोसिटीज बराबर होने चाहिए, क्या कहते हो? Yes, ये जितना ऊपर yes, जा ले जा सकता है, ये भी उतना ही अगर ऊपर ले जाने में कैपेबल हुआ तभी कोलिजन होगा ना। अगर इसने थोड़ा सा ज्यादा ऊपर ले गया तो ये यहां तक जाएगा, ये अभी नीचे ही रहा, कोलिजन नहीं होगा। ये मान लो अगर ज्यादा ऊपर जा सकता है और ये अभी यहां तक नहीं पहुंचा या नीचे ही रह गया, तो ये पार कर जाएगा इसको। तो कोलिजन होने की एक ही शर्त है, चूंकि कोलिजन एक पर्टिकुलर हाइट पर होने वाला है तो दोनों की वर्टिकल वेलोसिटीज एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। तो इस हिसाब से हमें क्या लिखना चाहिए, यू वन इज इक्वल टू टू यू टू यू वन साइन 30 इक्वल यू टू, क्या हमें ये लिखना चाहिए, सोचे, है ना, दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। अब इसके पास तो सारा कुछ जो भी है वो वर्टिकल ही है, अब इसकी वर्टिकल कंपोनेंट और ये वर्टिकल वेलोसिटी दोनों सेम होंगे तभी यहां कोलिजन होगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर है बात? यस सर। अब साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो इसे सॉल्व करने पे मिला यू वन इज इक्वल टू टू यू टू। दैट्स इट। देखें लॉजिकल क्वेश्चन था एकदम। आए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, लेट्स टेक अनदर सच क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसमें थोड़ा सा मोमेंटम का कंसेप्ट इन्वॉल्व है। मोमेंटम हमने लॉज ऑफ मोशन की बिगिनिंग में कॉलेज के लेक्चर्स में पढ़ा है।
A projectile is fired with a velocity u making an angle theta with the horizontal. What is the change in velocity? अच्छा momentum नहीं, direct change in velocity पूछा. When it is at the highest point, जब ये highest point पर है तब इसकी change in velocity क्या है? चलिए मैं इसको पूरा एक vector तरीके से आपको समझाता हूँ. This is how the projectile is going to be followed. यहां इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी u है, अगर हम केयरफुली इसके कंपोनेंट्स बनाएं फॉर एन एंगल थीटा, सो दिस कंपोनेंट इज u cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज u sin थीटा. जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या बाकी रखता है? u cos थीटा. तो आप सोचें कि इनिशियली इसकी जो वेलोसिटी है वो ये है, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप. ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है. और फाइनली जो इसकी वेलोसिटी है वो है u cos थीटा i कैप. j कंपोनेंट खत्म हो गया, जीरो, हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो हो गया. क्या कहते हो? ये जो चीज है ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है पूरी, और यहां जो मैंने लिखा ये इसकी फाइनल वेलोसिटी. अब हमें निकालना है चेंज इन वेलोसिटी का, मतलब सीधा है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करेंगे. फाइनल वेलोसिटी कितनी है? u cos थीटा i कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u sin थीटा. u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप. इसे माइनस करेंगे तो कौन सा कंपोनेंट कट जाएगा? u cos थीटा. और बचेगा क्या? u sin theta. वो भी माइनस में बचा. चलो ठीक है, माइनस तो माइनस लिख लेते हैं. तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं बात करूं, मैग्नीट्यूड वाइज कि भाई वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, ये सारा तो वेक्टर में चल रहा है. चलो मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं बात करूं तो क्या मैं बस ये j हटा दूंगा यहां से? कहीं बुला रहे क्या होगा? माइक ऑफ रखें प्लीज. ओके तो अगर मैं मैग्नीट्यूड में बात करूं तो कितनी वेलोसिटी चेंज हुई? यू साइन थीटा. बस यू साइन थीटा चेंज हो गई. इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. और वैसे भी देखने पे पता चलता है ना, मैं फिर भी इसको लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया, वैसे देखने पे भी पता चलता है कि जब इनिशियली हम शुरू करते हैं तो इसके पास u cos है और u sin थीटा, दो चीज है इसके पास. और जब हम यहां पहुंचते हैं तो इसके पास सिर्फ एक ही चीज बाकी बची, कौन सी? u cos थीटा. तो खत्म कौन हुआ? u sin थीटा. जो खत्म हुआ वही चेंज हुआ, दैट सिंपल. करेक्ट है ना बात? यस सर. आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं. थोड़ा सा इसमें हम लेंदी कैलकुलेशन एक्सपेक्ट करेंगे, बट विल मैनेज. समझने की कोशिश करें ठीक से. अ प्रोजेक्टाइल एट अ डेफिनाइट एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल पासेस थ्रू पॉइंट ए बी एंड देन बी ए. ओके, रेफर्स टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. तो रेंज का ये फॉर्मूला बनेगा, ऐसा बताओ, प्रूफ करो बोल रहा है वो. तो पहले तो बात को समझो कि ये कह क्या रहा है. लेट्स से कि ये इस तरीके से प्रोजेक्टाइल है, ऐसा पूरा प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी है. एंड देन देर आर टू पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन. लेट्स से दिस इज द फर्स्ट पॉइंट पी वन एंड दिस द सेकेंड पॉइंट पी टू. ओके, अगर मैं P1 के डिस्क्रिप्शन निकालता हूं कि P1 कितना ऊपर है A और कितना आगे है तो B, ठीक है? बात आ रही है समझ में बच्चों? यस सर. A B, अरे एक सेकेंड, मैंने शायद उल्टा लिखा. पहले A B है ना, A इज हॉरिजॉन्टल. So this distance is to be considered as A and B is the vertical distance. This is the situation. फिर वो प्रोजेक्टाइल पास होता जाता है, पास होता जाता है, आगे कहीं जाता है, हो सकता है यहां नजदीक हो सकता हो या आगे कहीं भी हो सकता हो, आई एम नॉट वेरी श्योर कि कहां है एग्जैक्टली.
बट जब दोबारा हम इस पॉइंट के डिस्क्रिप्शंस लेते हैं तो बी जो है उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और ए जो है वो उसका वर्टिकल डिस्टेंस है, ये रहा बी है। अब फिर हमसे ये पूछ रहा है कि आप प्रूफ करो कि रेंज का ऐसा फॉर्मूला बन सकता है, वी कैन हैव दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला फॉर रेंज। आइए इसको कैसे सॉर्ट आउट करें देखें, अप्लाई करते हैं। इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को यूज करेंगे, y इज इक्वल टू x tan थीटा, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने आपको कहा भी था मस्ट रिमेंबर, 1 माइनस x बाई r, ये रिकॉल हो गया सबको? यस यस सर यस सर। अब पॉइंट p1 के लिए बच्चों मैं चाहता हूं कि आप इस इक्वेशन को लिखें, तो पॉइंट p1 के लिए जब आप इस इक्वेशन को लिखेंगे तो क्या आप ऐसे लिखेंगे, b इज इक्वल टू a tan थीटा 1 माइनस a बाई r, क्या मैंने सही लिखा? यस सर। बिकॉज पॉइंट p1 का जो y वैल्यू है वो b है और जो x वैल्यू है वो a है। उसी तरीके से अगर आप पॉइंट p2 के लिए लिखते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू b tan थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस b डिवाइडेड बाय r। समझ आ गई बच्चों बात? यस सर। बिकॉज पॉइंट p2 के लिए जो y वैल्यू है वो a है और जो x वैल्यू है उसके लिए वो b है। अब हमें किसी तरीके से ये थीटा को एलिमिनेट करना है और इक्वेशन रीअरेंज करनी है फॉर आर। तो इसका सबसे आसान तरीका ये होगा कि आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, जस्ट डिवाइड देम, इक्वेशंस को डिवाइड करें। तो आई विल बी टेकिंग अ रेशियो ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल ए डिवाइडेड बाई बी, मतलब पहले ये न्यूमरेटर में इसे लेता हूं तो बी टेन थीटा डिवाइडेड बाई ए टेन थीटा हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा, बी बाई ए इंटू ये आगे का पूरा ब्रैकेट जैसे का वैसा 1 माइनस बी बाई आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बाई आर। आई होप आपको समझ आ गया, टेन थीटा कैंसिल हो गया ना इसमें डिवीजन में। यस सर। अब देखो ये तो कम से कम क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, सबसे पहले इधर बी का स्क्वायर हो जाएगा इधर ए का स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इक्वेशन विल लुक लाइक ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस कंटिन्यूज 1 माइनस बी बाई आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बाई आर। आई होप ये भी पॉइंट क्लियर है आपको। यस यस। अब दो टर्म्स हमको मिले, एक लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड में, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब ये इधर मल्टीप्लाई कर दो और ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो सी व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। इन सच केस हमको मिलेगा, ये ए पहले लिखता हूं मैं, तो हमको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाय आर इक्वल बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय आर। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ रही। यस यस सर। नाउ डू अ रीअरेंजमेंट, इसका रीअरेंजमेंट करें आप। ये जो बी स्क्वायर है इसको इधर ले लें और ये जो ए स्क्वायर वाला ए क्यूब वाला टर्म है उसको दूसरी तरफ ले लें। तो ऐसा करने पे हम लिख पाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 1 बाई आर, इसको मैंने कॉमन ले लिया, अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो दिस विल टर्न आउट टू बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर मैं 1 बाई आर को कॉमन ले लू, क्योंकि ये ए क्यूब के नीचे डिनोमिनेटर में भी आर है इधर बी क्यूब के नीचे डिनोमिनेटर में भी आर है, आई विल बी जस्ट टेकिंग कॉमन इट, तो इट विल लुक लाइक दिस सच दैट के फर्दर रीअरेंजमेंट करने पे हमें मिलेगा आर इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप आप समझ पा रहे हैं। यस सर। अब यहां पर छोटा सा एलजिब्रा हमें अप्लाई करने आना चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वी कैन राइट इट लाइक दिस. और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बड़ा कॉमन है, ये सबको आता होगा, है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी. इसका एक्सपांशन ये हो जाएगा और इस ऊपर वाले न्यूमरेटर वाले टर्म का एक्सपांशन ये हो जाएगा. ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम सबको पता है ना, ऐसे ही होता है ना. यस सर. यस सर. ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का थोड़ा सा नया है, तो इसको याद रखो आप. वैसे अगर एलजीब्रा सातवीं आठवीं में दसवीं में अच्छे से किया होगा तो याद ही होगा. अब यहां से ये वाला ब्रैकेट तो पूरा निपट जाएगा, कैंसल आउट हो गया. अब जो रिमेनिंग है वही हमारा आंसर है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी. हमसे यही पूछा गया था और हमने उसे ऑब्टेन कर लिया. दिस इज द केस, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी. सो इट इज ऑल अबाउट मेकिंग अ प्रॉपर रीअरेंजमेंट, नथिंग एल्स. समझे बच्चों? यस सर. यस सर. चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे कंटिन्यू करते हैं. घबरा तो नहीं रहे ना, समझ में आ रही है ना चीजें? यस सर. ओके. अ प्रोजेक्टाइल एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इट्स वेलोसिटी इज 80 मीटर पर सेकेंड. तो इनिशियली जो है वर्टिकल वेलोसिटी उसकी 80 है. इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज टी. व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट अ टाइम टी इज इक्वल टू कैपिटल टी बाई टू. तो लेट मी ड्रॉ अ फिगर. हर बार आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो इसलिए पूरी डायग्राम बना रहा हूं. वैसे हर क्वेश्चन के लिए आपको सॉल्यूशन में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है. तो हो सकता है बच्चों कि हमने इसे कुछ यू वेलोसिटी से फेंका होगा, 30 डिग्री एंगल बाकायदा बताया गया है. तो यहां पर ये आ रहा है u cos ऑफ 30 और यहां पर ये आता है u sin ऑफ 30, करेक्ट है ना? बट नोटिसेबल बात कि u sin ऑफ 30 का वैल्यू हमको बताया है 80. ये देखें यहां बता दिया इसने वैल्यू, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है ना. तो इससे पहले कि मैं इसमें कुछ और आगे काम करूं, मैं सबसे पहले इस चीज को निपटा देता हूं कि u sin ऑफ 30 इज इक्वल टू 80. sin 30 कितना होता है? हाफ इज इक्वल टू 80. इसका सीधा मतलब है कि u इज इक्वल टू 160 मीटर पर सेकंड, ठीक है. नाउ विद दैट वैल्यू अगर मैं u cos 30 को सॉल्व कर लूं, यहां इसको सॉल्व कर लूं, तो अभी अभी मुझे पता चला कि ये 160 है और cos 30 होता है रूट थ्री बाई टू, विच मीन्स 80 रूट थ्री मीटर पर सेकंड. अब बच्चों इसे क्वेश्चन जो है ना बड़ा अच्छे तरीके से, मतलब थोड़ा घुमा के पूछा उसने. उसने बोला कि इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी उस वक्त बताएं जब टाइम फ्लाइट टाइम का आधा है. तो आप मुझे बताएं कि फ्लाइट टाइम के हाफ टाइम में प्रोजेक्टाइल कहां होगा? एट द हाईएस्ट पॉइंट. वेरी गुड, शाबाश. एट द मैक्सिमम हाइट. और एट द मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी सिर्फ एक ही कंपोनेंट होती है और वो क्या है? यू कॉस थीटा. कॉस थीटा. यू कॉस 30. और फिलहाल के केस में यू कॉस 30 हम सॉल्व कर चुके हैं, वो कितना है? 80 रूट थ्री मीटर पर सेकंड. तो हमारा आंसर 80 रूट थ्री मीटर पर सेकंड आ गया, है ना. इंटरेस्टिंग. यस सर. ओके, तो ऐसे निपटाया जाएगा इसे. आइए एक और देखते हैं. A body of mass 0.5 kilogram is projected under gravity with a speed of 98 meter per second. Okay. 30 degree uska horizontal se angle diya gaya hai. Change in momentum nikalna hai. Change in momentum. To main phir ek bar yahan diagram bana dun iski.
ठीक, इस तरीके से हो सकता है ये प्रोजेक्टाइल फायर कर दिया गया हो। द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज कब, लेकिन ये चेंज कहाँ निकालना है। बॉडी ऑफ मास 0.5 किलोग्राम इज प्रोजेक्टेड अंडर ग्रेविटी विद स्पीड ऑफ 98 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। चेंज इन द मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैग्नीट्यूड में चेंज इन मोमेंटम, लेकिन ये चेंज कहां के लिए ये तो नहीं बोला इसने। मे बी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत होगी कि ये चेंज हमें उस वक्त निकालना है जब ये प्रोजेक्टाइल अपने टॉप पोजिशन पर है। ओके यस सर, या इवन वी कैन जस्ट फिगर इट आउट एट अ पॉइंट और एट अ मोमेंट जब वो जमीन पे गिर जाता है दोबारा। लेट्स सी कि क्या हम इसमें कर सकते हैं। तो स्पीड जो है वो इनिशियल स्पीड जो हमें बताई है वो 98 मीटर पर सेकेंड, तो ये 98 हो गया। नाउ दिस इज 30 डिग्री एंगल। 30 डिग्री एंगल के हिसाब से देखें तो यहां एक कंपोनेंट बनेगा, यहां वर्टिकल एक कंपोनेंट बनेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपना हो गया 98 रूट 3 बाई 2, यानी कि 49 रूट 3, और वर्टिकल कंपोनेंट हो गया 49। मैं यहां साइन कॉस नहीं लिख रहा हूं, अब तो इतना मैनेज हो जाना चाहिए, सही है ना। यस सर। अब निकालना है चेंज, बट लेट मी जस्ट फिगर इट आउट एट द टाइम ऑफ लैंडिंग, जब वो गिर रहा होगा। बच्चों जब वो गिर रहा होगा तो क्या 49 रूट 3 जैसे का वैसा रहेगा वेलोसिटी उसका? यस सर। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, बट क्या वर्टिकल वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगा? क्योंकि जब वो गिरेगा तो ऐसे गिरेगा ना बेटा, ये तरीका होगा ना इसके गिरने का, लाइक दिस। तो टॉप पर पहुंचते पहुंचते वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाता है, और टॉप इस पोजीशन को क्रॉस करने के बाद धीरे धीरे वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है, और जब वो एक्चुअली जमीन पे लैंड करेगा गिरेगा तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी उतनी ही वापस मिल जाएगी जितनी पहले थी, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स होगी, है या नहीं? Yes. अब देखो हॉरिजॉन्टल लेवल पर इसका मोमेंटम पहले जितना था अभी भी उतना ही है, क्योंकि वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं आया, सही है। मोमेंटम का मतलब तो होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो हॉरिजॉन्टल लेवल पर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, इसलिए हॉरिजॉन्टल लेवल पर इसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा। वेरी गुड। लेकिन वर्टिकल लेवल पर वेलोसिटी में चेंज आया है, वर्टिकल लेवल पर वेलोसिटी में चेंज आया है, मैं ऐसे ऐसे लिखता हूं। अब बताएं वर्टिकल लेवल पर वेलोसिटी में कितना चेंज आया, तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसकी माइनस इनिशियल करें, फाइनल कितनी है -49, इनिशियल कितनी है 49, यानी कि टोटल वेलोसिटी का चेंज आया 98 y कंपोनेंट में। समझे नहीं समझे बच्चों? यस सर। अब हम निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम, तो आंसर सिंपल है मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, और वो भी सिर्फ y में हुई है तो y का ही चेंज लेंगे हम, x का जरूरत ही नहीं है। x में जब वेलोसिटी ही चेंज नहीं हुई है तो मोमेंटम कहां से चेंज होगा, ना तो डायरेक्शन में चेंज हुआ ना ही मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ, तो एक्स में कोई फर्क नहीं पड़ा वाई में फर्क पड़ा। मास कितना है इस ऑब्जेक्ट का, क्वेश्चन ध्यान से देखें तो बताया है 0.5 किलोग्राम इनटू कितना वेलोसिटी में चेंजेस आए, -98। विल जस्ट टेक 98 बिकॉज हमें तो मैग्नीट्यूड में निकालना है, विल जस्ट टेक 98। 0.5 इंटू 98 को सॉल्व करेंगे आप, आंसर तो आ जाएगा 49 न्यूटन 49 सेकंड, तो वी में गो विथ ऑप्शन बी। सो दिस इज हाउ वी कैन आंसर द क्वेश्चन। ओके यस सर।
लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, बट दिस क्वेश्चन आई विल बी गिविंग यू एज अ होमवर्क. इस क्वेश्चन को आप अपने होमवर्क के लिए करें. अटेम्प्ट करें, कोशिश करें, ध्यान लगाएं. A particle of mass 100 gram is fired with a velocity of 20 meter per second, making an angle of 30 degree with the horizontal. ठीक, 100 gram. सबसे पहले तो ये बात ये कि 100 gram जो है ना, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें आप. So this mass will now be 0.1 kilogram. 10 to the power minus 3 है ना, ग्राम से किलोग्राम. Yes, sir. फिर 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया और 30 उसकी जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है. आपको यह बताना है कि इसका मोमेंटम हाईएस्ट पॉइंट पर कितना चेंज होगा. बिल्कुल इसी अंदाज में आप निकालें कि ये यहां पहुंचता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा. वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे, फाइनल जीरो है और इनिशियल जो भी रहेगी इसकी. कोशिश करेंगे आप इसको. सर 1 kg. ओके, समवन इज सजेस्टिंग एन आंसर ऑफ 1 kg. चलिए निकालें आप, देखें क्या आता है आंसर, उसके हिसाब से फिर आप चेक कर लें. आए एक और देखते हैं. लेट्स टेक वन मोर. सो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया, मैं इसे होमवर्क कंसिडर करता हूं. आई जस्ट मार्क होमवर्क. आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाद में जाएंगे ना, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में यूट्यूब लिंक जब मैं आपको भेज दूंगा, उसके जो डिस्क्रिप्शन में मोर में आप जाएंगे तो ये जो नोट्स हैं जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये सारे के सारे आपको एज इट इज वहां पर एक पीडीएफ फाइल के फॉर्मेट में मिल जाएंगे. तो आप क्वेश्चन वहां से बाद में डायरेक्ट देख के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि फॉर अ गिवन वेलोसिटी अ प्रोजेक्टाइल हैज अ रेंज आर फॉर द टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. सेम रेंज है और दो अलग अलग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों? एक एंगल थीटा होगा और दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा होगा. इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन. अब ये कह रहा है कि T1 जो है और T2 जो है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है इन दोनों केसेस में, तो फिर T1 T2 का प्रोडक्ट किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा? तो आसान बात है बच्चों, जब हम T1 लिखेंगे एज टाइम ऑफ फ्लाइट तो उसका फॉर्मूला है 2u sin थीटा/g. आपको याद होगा ये. और जब आप T2 लिखेंगे तो वो फॉर्मूला हो जाएगा 2u sin, थोड़ा सा दिमाग चलाएं, इस बार थीटा एंगल नहीं है बल्कि क्या है, 90 माइनस थीटा है, डिवाइडेड बाय जी. करेक्ट है ना? हालांकि इन दोनों एंगल्स पर जो रेंज हमें मिल रही है वो कैसी मिल रही है? सेम मिल रही है, बट टाइम ऑफ फ्लाइट तो अलग अलग होंगे, ये थ्योरी पढ़ते वक्त हमने देखा था. अब सिर्फ इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें T2 को, तो आप इतना जल्दी से समझ जाएंगे कि ये हो गया 2u cos θ/g. क्यों हुआ cos थीटा, आप समझ पा रहे होंगे, 90 माइनस थीटा अगर साइन के फंक्शन के साथ जुड़ जाता है तो वो cos थीटा हो जाता है. करेक्ट? यस यस सर. आप ऑप्शंस देखें, ऑप्शंस में दीज टू टाइम्स आर मल्टीप्लाइड है ना. अब आगे क्या करना, एक क्वेश्चन मार्क हमारे सामने आ सकता है. तो अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये टाइम का मल्टीप्लीकेशन लिया गया है, तो हम भी इन T1 और T2 की रिलेशन का मल्टीप्लीकेशन ले लेंगे. तो इफ आई टेक द मल्टीप्लीकेशन ऑफ T1 एंड T2, आई मे बी गेटिंग 2u sin θ (2). करेक्ट है ना, इधर भी 2 है. u cos θ/g (g), यानी कि g का स्क्वायर. यहां भी g है, यहां भी g. तो इसे अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूं बच्चों, सिर्फ एक 2 को बाहर ले लेता हूं, डिवाइडेड बाय g को बाहर ले लेता हूं, तो ये इक्वेशन मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, 2u sin θ (u cos θ) / g.
और अगर आप प्रॉपर फॉर्मूला रिकॉल कर रहे हैं तो ये जो मैंने ब्लू कलर में ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये कुछ और नहीं है बल्कि रेंज है ना। यस देयरफॉर टी वन बाई टी टू इज इक्वल टू टू बाई जी इन टू करस्पॉन्डिंग रेंज आर। नाउ द ऑप्शन सजेस्ट प्रोपोर्शनैलिटी, ऑप्शन जो हैं ये प्रोपोर्शनैलिटी को सजेस्ट कर रहे हैं, तो कॉन्स्टेंट्स को हटा दें। अब यहाँ पे ये टू कॉन्स्टेंट माना जाएगा, ये जी कॉन्स्टेंट माना जाएगा, तो जब हम इन दोनों को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे तो टी वन टी टू प्रोपोर्शनल हो गया आर के। सो बाय दैट वे वी विल गो विथ ऑप्शन बी। यस यस ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। लेट्स गो फॉर दिस। टू पार्टिकल्स आर सेपरेटेड एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ एक्स। अच्छा, दे आर प्रोजेक्टेड एट द सेम टाइम, एक साथ प्रोजेक्ट किया, बट कुछ इस तरीके से कि दिस इज हैविंग एन वेलोसिटी ऑफ यू, दिस इज हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ यू बाय रूट थ्री एंड ऑल दैट, दिस इज एंगल 30, दिस इज एंगल 60 एंड सो ऑन। द टाइम आफ्टर विच द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल बिकम जीरो, मतलब ये कब एक दूसरे को कोलाइड करेंगे। कोलाइड करेंगे ऐसा तो नहीं है यहां पे, हाँ सिर्फ ये है कि इन दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जीरो करना है। सो दिस दिस कैन बी वर्कड आउट वेरी सिंपल वे, इन अ वेरी सिंपल वे। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालें आप, क्या आप मुझे बता सकते हैं कितना होगा ये? यू बाई रूट थ्री कॉस 30 माने इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों यू बाई टू। सोचें आप, है ना, यू बाई रूट थ्री कॉस 30, कॉस 30 खुद रूट थ्री बाई टू होगा तो रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा और यहां यू बाई टू बचेगा। सही लिखा मैंने? यस इस वाले का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालें आप, अगर आप इस वाले का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालते हैं तो ये हो जाएगा यू कॉस 60, और यू कॉस 60 का आंसर क्या आएगा? यू बाई टू। ये भी सही है। यस सर हाँ, आप मुझे एक बात बताओ कि इस यस ए प्रोजेक्टाइल को राइट की तरफ आगे कौन बढ़ा रहा है? यू बाई यू टू, कॉस के बिल्कुल सही है। और इस बी प्रोजेक्टाइल को लेफ्ट की तरफ आगे कौन बढ़ा रहा है? यू बाई यू टू बाई टू यू बाई टू, बिल्कुल सही है। इन दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है? एक्स एक्स है, तो क्या ये दोनों मिलके इस एक्स डिस्टेंस को खत्म करने वाले हैं? यस तो टाइम का फॉर्मूला बना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप सोचें दोनों मिलके कितना डिस्टेंस खत्म करने वाले हैं? एक्स, एक्स और दोनों मिला के स्पीड कितनी है, क्योंकि ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है, साथ में दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। यू बाई टू सिर्फ यू बाई टू नहीं, अगर सिर्फ यू बाई टू बोलोगे तो रुका हुआ है ना एक, अगर सिर्फ यू बाई टू बोलोगे तो एक की स्पीड यू बाई टू है, दोनों मिला के खत्म होगी ना, दोनों मिलके उस डिस्टेंस को खत्म कर रहे हैं कि नहीं? हाँ यू बेसिकली तो मैं ये सुनना चाह रहा हूं यू बाई टू प्लस यू बाई टू, रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी ले यू लो, पलटा के वापस दे दो इसको। समझे नहीं समझे? यस सर तो क्या आया आंसर? यस एक्स बाई यू, खत्म। क्लियर हुआ ना? यस सर ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। एक दो 5 मिनट थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा लूंगा, चलेगा ना? यस सर अ पार्टिकल इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी यू एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। अनदर पार्टिकल इज थ्रोन विद द सेम वेलोसिटी एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम द वर्टिकल। तो एंगल अलग अलग लिया है इसने, कुछ इस तरीके से बताया है, ध्यान से देखो। एक जो प्रोजेक्टाइल है वो अपना पाथ फॉलो कर रहा है, कुछ ऐसे चल रहा है, सब कुछ कहानी बिल्कुल अच्छी है उसकी।
दूसरा वाला जो है वो भी बढ़िया काम कर रहा है, मान लो उसकी भी कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन फर्क ये है कि इस प्रोजेक्टाइल के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी का डिस्क्रिप्शन है अल्फा एंगल है, और इस प्रोजेक्टाइल के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी का डिस्क्रिप्शन है तो इसका एंगल यहां से अल्फा है, वर्टिकल से, अल्फा विथ वर्टिकल, अल्फा विथ हॉरिजॉन्टल, ये अल्फा विथ हॉरिजॉन्टल है, ये अल्फा विथ वर्टिकल है, समझे। यस अब हमसे ये पूछ रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो क्या होगा, द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बहुत आसान है बच्चों, सबसे पहले ना आप इसके कंपोनेंट्स बना लो। तो यहां का कंपोनेंट बन गया यू कॉस अल्फा, और यहां का कंपोनेंट बन गया यू साइन अल्फा। क्या मुझे बता सकते हैं इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी? टू यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी, यही होगी ना। यस अब सर इसके कंपोनेंट अगर मैं बनाता हूं ना ध्यान से, इसके कंपोनेंट ध्यान से देखो, तो इसके जो कंपोनेंट बनेंगे वो उल्टे बनेंगे। यहां का कंपोनेंट क्या हो गया? यू कॉस यस अल्फा, और ये वाला सर क्या हो गया? अल्फा यू साइन अल्फा, क्योंकि इस बार इसका जो एंगल है वो वर्टिकल से गिवन है। अब इसके लिए बेटा मैं टाइम ऑफ फ्लाइट अगर लिखता हूं तो ध्यान से देखो, टू यू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई जी आ जाएगा, बिकॉज टाइम ऑफ फ्लाइट ये वर्टिकल कंपोनेंट पर डिपेंड करता है, कॉस या साइन का चक्कर नहीं लेना इसमें। इस प्रोजेक्टाइल के लिए वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन अल्फा है, इसलिए फॉर्मूले में यू साइन अल्फा आया, जबकि इस प्रोजेक्टाइल के लिए वर्टिकल कंपोनेंट यू कॉस अल्फा है, इसलिए फॉर्मूले में यू कॉस अल्फा आया। आ गई बात समझ में? यस सर अगर आप यस रटोगे फॉर्मूला तब तो नहीं सॉल्व कर पाओगे, है ना, इसलिए रटना नहीं है, समझना है चीजों को। लेट्स से कि इसमें से किसी एक टाइम को हम टी डैश कॉल कर लेते हैं, ये टी डैश है मान लें। नाउ टेकिंग अ रेशियो ऑफ टी डिवाइडेड बाय टी डैश, जब हम ये रेशियो लेंगे तो टू यू जी ये पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, और हमें रेशियो में मिलेगा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा आफ्टर कैंसलिंग द रिमेनिंग टर्म्स। तो फाइनल आंसर टेन टी डिवाइडेड बाई टेन टी डैश इज अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा, चाहो तो लिखो रेस टू वन, इज टू वन, जस्ट फॉर द कंप्लीशन। गेटिंग इट राइट? यस ओके, लेट्स यस टेक अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं। पढ़ें इस क्वेश्चन को। नाउ इन दिस क्वेश्चन हमसे ये कहा जा रहा है कि फॉर अ गिवन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चेंज नहीं करने वाले हैं, द हॉरिजॉन्टल रेंज इज डबल, तो स्पीड बढ़ाई होगी हमने। हॉरिजॉन्टल रेंज अगर हमें डबल करना है तो हमने स्पीड बढ़ाई होगी, क्योंकि हम एंगल तो नहीं बदल रहे हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या होगा? तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि रेंज का फॉर्मूला क्या है। तो बच्चों रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी, करेक्ट है ना। अगर आप यस रिकॉल करते हैं, क्योंकि हमारे पास अलग अलग फॉर्मूले हैं, तो जो हाँ जिस क्वेश्चन में जो सूटेबल फॉर्मूला लगता है हम उसको अप्लाई करते हैं। अब चूंकि हम एंगल नहीं बदल रहे हैं तो इस टर्म को हम कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं, और हम ये लिख सकते हैं कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, चूंकि हम एंगल नहीं बदल रहे हैं इसलिए। अब देखें, एक नई रेंज हमने यहां पर डेवलप की एज पर क्वेश्चन, और वो है आर डैश, और क्वेश्चन के मुताबिक वो टू टाइम्स ऑफ आर है, ठीक। तो अगर मैं रेशियो ले लेता हूं सेइंग आर डैश अपॉन आर, तो ये हो जाएगा यू डैश अपॉन यू का स्क्वायर, करेक्ट जा रहा है, क्योंकि इट्स प्रोपोर्शनली, प्रोपोर्शनैलिटी यहां पे स्क्वायर है इसलिए। तो अगर मैं ये कहता हूं कि आर डैश के लिए स्पीड यू डैश रही होगी और आर के लिए स्पीड यू रही होगी और प्रोपोर्शनैलिटी ऐसी है, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, करेक्ट हो गई बात है। यस तो दिस इज टू आर डिवाइडेड बाई आर,
इज इक्वल टू, क्योंकि आर डैश तो टू आर है, यू डैश अपॉन यू इसका हो गया स्क्वायर, आर आर फैक्टर कैंसिल हो गया, मैंने स्क्वायर रूट कर दिया और रीअरेंजमेंट किया तो मुझे आंसर मिला यू डैश इज इक्वल टू रूट टू यू। ठीक हो गई बात। तो बिना एंगल को चेंज करे अगर मैं हॉरिजॉन्टल रेंज को डबल करना चाहता हूं, उसे इंक्रीज करना चाहता हूं, तो आई हैव टू मेक द स्पीड रूट टू टाइम्स। बट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट स्पीड, द क्वेश्चन इज अबाउट टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमको रिकॉल करना पड़ेगा। अब जब हम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला लिखते हैं तो हम लिखते हैं 2u sin θ/g। इसमें अगर मैं सोचूं तो 2 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट रहने की वजह से साइन थीटा भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो हमें पता चलेगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू। तो जो करस्पॉन्डिंग नया टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा टी डैश, वो तो यू डैश के साथ प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सही है? यस सर। यस। तो इसका भी रेशो ले लेते हैं। So if you take a ratio, it will become t dash upon t is equal to u dash upon u. But u dash हमने कितना निकाला? Root to u, है ना? यहाँ देखो u dash हमने कितना find out किया? Root to u. ये upon u जैसे का वैसा, तो ये u factor कट गया और answer मुझे मिला t dash is equal to root 2 times of t. तो जब हम range double करेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? रूट टू टाइम्स। रूट टू टाइम्स हो जाएगा। दैट मैचेस विद ऑप्शन सी, करेक्ट है? यस सर। सो दैट वे वी कैन हैंडल द क्वेश्चंस। अभी ये क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए हैं, इनमें और थोड़े से क्वेश्चंस को हमें कंसिडरेशन करना है। तो अगली क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और कुछ नई वैरायटी के प्रोजेक्टाइल मोशंस को भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि प्रोजेक्टाइल व्हाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम हाइट, प्रोजेक्टाइल व्हाइल थ्रोन ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन अ मूविंग प्लेटफॉर्म, अ प्रोजेक्टाइल मोशन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल। सो इट विल बी अ सीरीज ऑफ लेक्चर, आई विल बी टेकिंग फर्दर 6 to 7 लेक्चर्स टू एड्रेस ऑल दीज कंडीशंस। ओके, अभी ये न्यूमेरिकल खत्म नहीं हुए हैं, इसमें कुछ और न्यूमेरिकल्स मैं ऐड करूंगा, बट धीरे धीरे ऐड करूंगा, कुछ थियरी और पढ़ा करके और कुछ चीजें इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो आई थिंक यहां तक आज के लिए काफी है, रुक जाते हैं।